subscribe my YouTube channel and press the bell icon button. Hi guys, तो आज हम लोग करने वाले हैं backflip handspring और मैं आपको बताऊंगा कि backflip handspring कैसे करते हैं. मैंने देखा है काफ़ी लोग बहुत सी गलतियां करते हैं और करने में डरते भी हैं, तो आपका सारा डर आज दूर हो जाएगा और आप लोग बेसिकली देखते होंगे करने के बाद हम लोग डरते हैं, तो आपका पूरा डर खुल जाना चाहिए. तो हम स्टार्ट करेंगे आज बैकफ्लिप हैंड स्प्रिंग का ट्यूटोरियल, तो चलो करते हैं. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. तो गाइस, सबसे पहले बैक हैंड स्प्रिंग करने के लिए हमें आर जंप करनी होती है, तो कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ. The only thing I'll do is lay next to you. We need to slow down. तो अभी हम बैक होने के लिए पहले बैक रोल करना होगा, वो आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे. अभी हमको फुल बैक रोल करना पड़ेगा ताकि हाथों को थोड़ा मजबूती मिले. अभी हम करेंगे मंकी जंप. करते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ. लाइक दिस, हैंड को इधर रखने का और फिर थोड़ा सा जंप कर लेंगे इस तरह से. इससे क्या है, हाथों पे मजबूती आएगी और हम लोग को घूमने का भी डर दूर होगा. फिर से करके दिखाता हूँ. हम दोनों साइड से करेंगे ऐसा ताकि दोनों हाथों से. So can we just stop? और गाइस, हमें ब्रिज जरूरी है बनाना बैक हैंड स्प्रिंग के लिए, तो देखेंगे ब्रिज कैसे बनाते हैं. तो इस तरीके से पहले लेट के बनाएंगे ताकि आपको फ्लिप करेंगे और उसका थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे डर खोलेंगे. कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ. आपने देखा कि मैंने बताया, ऐसे बताया आप करोगे, खुल के करना, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से कर सकोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना कर पाओ. तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑल बेल आइकन तो दबा ही देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. थैंक्स भाई, बंद कर दे चलना.